आपने स्टार्ट होते ही खतरनाक डायलॉग बोल दिया कि अंकित पता क्या है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल गुप्ता द ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू। दोस्तों आज है डे 3 एक्सपेडिशन का, तो हम लोग अभी भी हैं पत्नीटॉप में। तो आज का जो प्लान है हमारा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो रियल एडवेंचर है वो आज ही शुरू होने वाला है। अभी तक तो ये आपने जो भी देखा ये वार्म अप सेशन था। वार्म अप सेशन क्या, पत्नीटॉप सनासर को तो थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं, बल्कि काफ़ी टूरिस्ट आते भी हैं पत्नीटॉप में, तो इसलिए हमने पत्नीटॉप को बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। हमारा फोकस पत्नीटॉप में कुछ खास चीज़ों का, जो लोगों को नहीं पता है, कुछ खास एक्टिविटीज़ को ही शूट करना था, क्योंकि जनरली पब्लिक को पता है, जो भी लोग वैष्णो देवी आते हैं, कटरा आते हैं, उन्हें पत्नीटॉप के बारे में काफ़ी नॉलेज है। अभी आज का हमारा जो प्लान है वो बहुत एडवेंचरस होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम पत्नीटॉप में ही स्काई व्यू गंडोला और जो यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है एक बार वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्योंकि बिलीव मी दिस इज़ वेरी हैपनिंग प्लेस। अभी 10:30 बजे हैं, 11 बजे के आसपास हमें वहाँ जाना है। हम गंडोला राइड लेंगे, गंडोला राइड बहुत ज़बरदस्त है, भी हम जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। और साथ में वहाँ पे स्लाइड्स हैं, जिप लाइन है, और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, और रहने की व्यवस्था भी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, वो मैं सब आपको वहीं जाके बताऊँगा। तो इन द मीन टाइम हम तैयारी करते हैं, सामान हमारा आ रहा है, तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से हम इंपीरियल स्काई व्यू की तरफ। तो ये वाला रूम है, यहाँ पर कल मैंने स्टे किया था और राहुल भाई ने ऊपर वाले पे किया था। दिखाना, आओ जरा दिखा देते हैं एक बार रूम इनको अच्छी तरह से। तो ये है राहुल भाई का रूम, प्यारा सा छोटा सा कॉटेज, लकड़ी का, एकदम हर तरफ लकड़ी और कुछ नहीं। देखने में प्रॉपर्टी छोटी लग सकती है, बट मैं बता रहा हूँ इतनी अमेजिंग और कूल है ना, क्यों शांति चाहिए, बड़े बड़े होटल्स में तो सब रखते हैं। अच्छा राहुल भाई एक बात बता दो, मेरे को तो पता नहीं है कितने फटका लगा हमारा। देखिए इन जनरल यहाँ इस रूम का 3000 से 3500 रुपीज़ लेते हैं, क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स है, दो बेडरूम ऊपर है, मतलब 2 बेडरूम ऊपर है, 2 नीचे है, और सीजन में थोड़ा अप डाउन चलता है। आपको अभी हमने कितना कुछ आइडिया, तो वो भाई साहब अपने फ्रेंड है, मैंने पूछा नहीं अभी तक कितना लेंगे, जो भी लेंगे दे देंगे। तो यही होता है दोस्ती का फायदा। तो अब एक काम करते हैं, बाइक पे सारा सामान लोड हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इंपीरियल स्काई व्यू। मैंने आपको जैसे बताया कि पत्नीटॉप का सबसे हैपनिंग प्लेस यही है, यही होने वाला है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पत्नीटॉप हमने नहीं कवर किया है, क्योंकि पत्नीटॉप एज कम्पेयर टू अदर लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रमोटेड है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आते हैं, यहाँ पे पार्क्स हैं घूमने के लिए, ट्रेल्स हैं, उसके बाद में नाग टेम्पल है, मतलब आप 3-4 दिन अपने आराम से चिल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, यहाँ पे रोप वे है, यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ पे स्लाइड्स हैं, और बड़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि फुल ऑफ फन, आप पूरा दिन एक यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे रोप वे पे गंडोला में बैठ के नीचे स्काई व्यू की तरफ। तब तक हम कुछ सवाल पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ पे हैं साकिब भाई। साकिब भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो साकिब भाई आप हमें बताएंगे कि गंडोला वगैरह के क्या प्राइसेस वगैरह हैं यहाँ के? गंडोला का प्राइसेस है पर पर्सन 1155 पर पर्सन है यहाँ पे अप डाउन का रिटर्न, ठीक है, और वन वे का 997 है इंक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है। तो हमारा जो रोप वे है ये 2.8 किलोमीटर का वन साइड का है, आना जाना 5.6 किलोमीटर का है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से इंडियाज़ हाईएस्ट है। हाँ ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, मैंने बोर्ड पे कहीं पढ़ा कि इंडियाज़ हाईएस्ट रोप वे, तो मतलब हाईएस्ट फ्रॉम द ग्राउंड एज पर द ग्राउंड क्लियरेंस। इसका एक टावर्स पे नीचे जाके 200 फीट का हाइट आता है, जिसमें 200 फीट के ऊपर आप कैबिन है और नीचे 200 फीट हाइट है, उसको आप ओके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा एग्जैक्टली, तो यही चीज़ मैं सोच रहा था कि मैंने बहुत सारे गंडोलास देखे हैं, गुलमर्ग वाला भी देखा है और भी देखे हैं। हाँ तो अभी एक डाउट मेरा जो था, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ये डाउट था हमारा, तो ये डाउट हमारा क्लियर हो गया। ये हाइट इन टर्म्स ऑफ है कि ग्राउंड से टावर की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिए इंडियाज़ हाईएस्ट गंडोला। तो अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं, तो फील करते हैं इस एडवेंचर को, इस एक्सपीरियंस को। ये मेरी सारी ऑडियंस को पता है कि मुझे हाइट का फोबिया है, मेरे को थोड़े चक्कर आए थे। अभी नीचे देखो चारों तरफ ओपन शीशे, तो क्या होगा। और ये जो इंडिया का हाईएस्ट है, इंडिया का हाईएस्ट है, देखो नीचे कैसे दिखेगा। खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, बस बैठे रहना। और कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है सारा कुछ, लेकिन ऐसे ही बैठना, दो इधर एक इधर, ठीक है साइड सारे नहीं बैठना, ठीक है। व्यू सामने का देखो एकदम जबरदस्त। और जैसे उन्होंने बताया कि ये हाइट वाइज ग्राउंड लेवल से सबसे हाईएस्ट है इंडिया का। और मैं आपको बता दूं कसम से बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि दिल मेरा, मैं आपको पता है जैसे मेरा हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा दिल हल्का हल्का घबरा रहा है, मतलब उतना डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जब ये हिल रहा है ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मेरी फट रही है। तो आप क्या बोलते हैं? नो वर्ड्स, अभी के लिए नो वर्ड्स। आपने स्टार्ट होते ही खतरनाक डायलॉग बोल दिया कि अंकित पता क्या है, कुछ टाइम पहले ना 2-3 बार गिर भी चुका है ये, तो ये बोलना जरूरी था। ये डराने के लिए बोला, ये एडवेंचर, एड्रेनालिन सारा बढ़ जाए। यहाँ वाला कोई नहीं गिरा है, वो ऐसे बोल देते हैं ना स्टार्ट करने से पहले, देखो आपको खड़े नहीं होना, आपको ये नहीं करना, तो वो इंस्ट्रक्शन जब मिलते हैं ऑर्डर लगने लग जाता है। लेकिन ठीक है, तो यही है वो पॉइंट जिसे बोलते हैं सबसे हाईएस्ट गंडोला। अब इसमें हाईएस्ट क्या है वो तो मुझे पता नहीं, मेरी तो सब जगह एक जैसा ही लग रहा है मेरे को। तो ये बोला था ना कि तीसरे और चौथे जो पोल है उसके बीच में वो हाईएस्ट है इंडिया का, मतलब ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर पोल जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो हमें पता नहीं लगा वो पोल कहाँ है, हम किस जगह, हमें सब जगह ऐसा ही लग रहा है जो बहुत ऊपर है। देखने में हिल भी बहुत, और इस पॉइंट पे आके हिल भी बहुत रहा है, स्विंग बहुत कर रहा है, स्विंग बहुत कर रहा है। इतना स्विंग होना नहीं चाहिए वैसे यार, कुछ तो गड़बड़ है। मत बोले यार, अब टॉपिक चेंज कर ले, हम कुछ और टॉपिक लगाते हैं। टॉपिक ये है कि मतलब स्विंग लेफ्ट राइट कर रहा है। नीचे मत बोलो, मेरा भी ऐसे टेंशन हो जाती है। नीचे धूप थी, गर्मी थी जबरदस्त, थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो एकदम ठंडा मौसम हो गया, और ऊपर फिर से धुंध है। अरे हाँ यार, एकदम नीचे कितनी गर्मी थी। तो दोस्तों एक्चुअली हमारा प्लान था आज का आगे एडवेंचर के लिए, लेकिन हम लोग हो गए लेट। क्यों हो गए यार? मौसम ही इतना मस्त है। पहले इंपीरियल गए, स्काई व्यू गए, उसके बाद में इतना सेक्सी मौसम है, ये छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। और मैं सच बता रहा हूँ, ये तीसरा दिन है, थर्ड नाइट है हमारी इस एरिया पतनीटॉप सरासर में। और अपनी पूरी उम्र में मैं कभी 3 नाइट्स यहाँ पर नहीं रुका हूँ, वीकेंड पर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाइट्स, लेकिन जाने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए नहीं गए। और ये हमारा कॉटेज है, ये कॉटेज हमें दिया गया है पीडी की तरफ से, तो थैंक्स टू पीडी पतनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जिन्होंने ये दिया है। तो अभी हमारा जो मकसद है वो आए हैं तो अब शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लो, हर तरफ धुंध है। क्या मस्त मौसम है, एकदम रोमांटिक सा मौसम हो रहा है, लेकिन मैं रोमांटिक नहीं होने वाला हूँ क्योंकि मैं सख्त लौंडा हूँ। तो इसलिए हम चलते हैं आगे, पतनीटॉप में घूमते हैं, चिल करते हैं पूरा एकदम बढ़िया से। अब हमारे जो प्रिय मित्र आए हुए हैं उनसे हम पूछते हैं कि भाई उनको कैसा लग रहा है। अंकित भाई मित्र जो है वो सुपर डुपर एक्साइटेड हो रखा है इस समय, क्योंकि यू नो मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है, चाहे हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर या जो भी आप स्टेट्स ले लो, पहाड़ी एरिया, लेकिन इन द मंथ ऑफ सितंबर मैंने ऐसा कहीं पर भी व्यू नहीं देखा। खासकर भाई 2:30 बजे के आसपास से वेदर ऐसा हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम ठीक हो गया, खुल गया थोड़ा सा। क्या हाल था भाई, यहाँ से रात के 8 बज रहे, दिख नहीं रहा था, लिटरली ऐसा लग रहा था रात के 8 बज गए, कोई आदमी भी नहीं दिख, मतलब कोई सामने भी होना तो वो भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। तो यही है इनक्रेडिबल जम्मू, जो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और भाई हमारा क्या प्लान है पहले ये बताओ। अभी भाई मौसम इतना जबरदस्त है तो अंदर बैठ के क्या करेंगे, चलते हैं, घूमते हैं पतनीटॉप, जो कि सही तरीका है। पहले थोड़ा सा वॉक करके घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, थोड़ी ट्रेल्स पे घूमेंगे, फिर थोड़ी सी बाइक भी दौड़ाएंगे यार, मजा आएगा यार, पूरा मजा लेंगे हम। कैसे हैं? जबरदस्त। क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर? ये खा रहे हैं हम, ये मौसम के साथ में ये स्वाद है, वाह क्या बात है। क्या नाम है भैया आपका? सुदर्शन शर्मा। कहाँ से आए आप? यहाँ का लोकल से। लोकल रामनगर? हाँ रामनगर, वैसे यहीं रहते हो। यहीं रहते हो, क्या बात है। और गोलगप्पा बेचते हो कम से कम 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए आपको? जी सर। बादल भी होता है, बादल भी होता है।